गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, अभी हम लोग आ चुके हैं लाइव मार्केट में लाइव ट्रेडिंग करने के लिए। जैसे कि कल आपने आपको एक्सप्लेन किया था, माइट बी बैंक निफ्टी आज गैप अप ओपन हो सकता है, तो आज मार्केट गैप अप ही ओपन हुआ है। यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ है, डे का जो लो है यहाँ पे है, और कल हमने आपको बताया था 944 का क्रॉस ओवर अभी तक हुआ नहीं, आज यहाँ पे क्रॉस ओवर हमें वो देखने मिल रहा है, मतलब हमें आज मार्केट में एक बुलिश मोमेंटम दिख सकती है। तो यहाँ पे ये जो आज के डे का जो लो है, मैं अभी यहाँ पे मार्क करता हूँ, ये जो लेवल का लो है ये है 42,500 की लेवल। तो याद रखिए ये एक साइकोलॉजिकल नंबर है। मैंने आपको काफ़ी बार एक्सप्लेन किया कि साइकोलॉजिकल नंबर पे काफ़ी बार मार्केट यहाँ पे इसे रिस्पेक्ट करता है, तो आज हमारे लिए ये एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के हिसाब से काम कर सकता है 42,500 की लेवल। तो अभी हमें यहाँ पे ट्रेड आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो ट्रेड आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग यहाँ पे जो पहली कैंडल बनी है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, उसका डे हाई और डे लो हम यहाँ पे मार्क करने वाले। तो यहाँ पे डे हाई यहाँ पे था और डे लो यहाँ पे है, तो यहाँ पे देखिए हमने फिब रिट्रेसमेंट लगा दिया है, ठीक है। अभी हमें क्या चाहिए, अभी हमें चाहिए 0.5 की जो ये लेवल है, ये देखिए मैंने जो मार्क की है, इस लेवल के ऊपर कोई भी कैंडल अगर क्लोज करती है तो हम लोग यहाँ पे कॉल साइड ट्रेड बनाएंगे, ठीक है। हमेशा याद रखिए 0.5 की लेवल के ऊपर आपको ट्रेड लेना है। तो यहाँ पे मैंने अभी डे हाई मार्क कर दिया, थोड़ा आपका जो कन्फ्यूजन था उसको अभी निकाल दूंगा। डे हाई यहाँ पे है, डे लो यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए डे लो हमने मार्क कर दिया, ये हो गया हमारा डे हाई और डे लो। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको फिब रिट्रेसमेंट सिलेक्ट करना है, और फिब रिट्रेसमेंट सिलेक्ट करने के बाद आपको डे हाई से डे लो लगाना है, ठीक है। वो लगाने के बाद आपको यहाँ पे टारगेट भी क्या रखना है वो मैं आपके अब बताऊँगा, ठीक है। टारगेट तो यहाँ पे देखिए क्रॉस ओवर हो चुका है, मतलब हमें यहाँ पे अच्छी बुलिश मोमेंट आज मार्केट में देखने मिल सकती है। लगभग यहाँ पे 300 पॉइंट अपसाइड मार्केट खुला है, ठीक है। 300 पॉइंट आप बोल सकते हो, प्लस माइनस आप कैलकुलेट कर लीजिए। और यहाँ पे हमें लग रहा है मार्केट माइट बी 42,700 के लेवल तक जा सकता है, 42,700 और 800 वही हमारा टारगेट होने वाला है। और यहाँ पे देखिए पिछले 3-4 दिन से जो काफ़ी सेलिंग आई थी, ठीक है, सेलिंग आने के बाद देखिए कभी ना कभी तो मार्केट रिवर्सल करेगा ही करेगा, तो आज माइट भी मार्केट यहाँ पे रिवर्सल कर सकता है। तो आज हमें बुलिश ट्रेंड आइडेंटिफाई करनी है, और उसके लिए हमें इस्तेमाल करना है फिब रिट्रेसमेंट का सेटअप, ठीक है। तो यहाँ पे ये कैंडल अब काफ़ी अच्छी बन रही है, ग्रीन कलर की कैंडल है और बॉडी काफ़ी अच्छी बन रही है इसकी। तो यहाँ पे हमने डे हाई से डे लो का फिब रिट्रेसमेंट लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे फिब रिट्रेसमेंट लगाने के बाद मैं चार्ट को थोड़ा सा छोटा करता हूँ ताकि आपको यहाँ पे दिखाई दे। ये जो 0.5 की लेवल है, इस 0.5 के लेवल के ऊपर अगर आपको कोई कैंडल क्लोज करते हुए दिखाई दी तो ही आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है, ठीक है। उसके बाद ही आपको ट्रेड लेना है, तब तक आपको कोई ट्रेड नहीं लेना है। और टारगेट देखिए, टारगेट हमारा ऊपर आ रहा है 42,670 के लेवल के आसपास, ठीक है। लगभग यहाँ से 140 पॉइंट की मोमेंटम हमें एक्सपेक्टेड है। अगर वो हमें यहाँ पे मिल जाती है तो हमें 50-60 पॉइंट के जो मूवमेंट है कॉल ऑप्शन में वो मिल जाएगी, ठीक है, क्लियर है। अभी तक यहाँ पे 0.5 के लेवल पे क्लोजिंग नहीं मिली है, थोड़ा हमें यहाँ पे इंतज़ार करना है। जैसे ही क्लोजिंग मिलती है हम लोग लाइव ट्रेड करके बताएंगे आपको, ठीक है। क्योंकि देखिए सेटअप तो हमने आपको काफ़ी सारे बताई है, लाइव ट्रेड करके बताइए, लेकिन काफ़ी लोगों के यहाँ पे क्या होते कि हमें लाइव ट्रेड करके बताइए, लाइव ट्रेड करके बताइए। तो यहाँ पे देखिए हम लोग लाइव ट्रेड करके बताने वाले हैं। तो क्लोजिंग तो यहाँ पे हमें अपसाइड ही मिल रही है, देखिए अभी ट्रेड हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं 42,500 का कॉल, ठीक है। एक लॉट हम लोग यहाँ पे बाय करेंगे, एक लॉट हमने यहाँ पे बाय कर दिया, ठीक है। पोजीशन में जाएंगे 345 पे हमने यहाँ पे बाइंग कर दिए एक लॉट के आसपास, ठीक है। तो ये हमारा एक लॉट हमने यहाँ पे बाय कर दिया। टारगेट क्या है, देखिए टारगेट ये है 42,670 के लेवल, तो ये भी मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ ताकि आपको पता चले कि ये हमारा टारगेट होने वाला है। जैसे यहाँ पे टारगेट पास आ जाए बैंक निफ्टी, हम लोग क्या करेंगे मार्केट से एग्जिट ले लेंगे। तो यहाँ पे मैंने येलो कलर उसको दे दिया है, येलो कलर देने के बाद यहाँ तक तो हमें रुकना है, भले यहाँ पे मार्केट यहाँ से नीचे जाए या मार्केट यहाँ पे ही रहे, हमें अभी अपने ट्रेड में कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं। काफ़ी ट्रेडर्स जो है हमें बोल रहे थे कि हमें ब्रैकेट ऑर्डर कैसे प्लेस करना है ये लाइव मार्केट में बताइए, तो चलिए मैं आज उनको बता रहा हूँ कि ब्रैकेट ऑर्डर आपको कैसे प्लेस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ब्रैकेट ऑर्डर पे ऑलरेडी क्लिक है, अभी आपको यहाँ पे मार्केट करना है और यहाँ पे आपको टारगेट डालना है। कितना टारगेट आपको लेना है, 60 पॉइंट का टारगेट लेना है तो 60 पॉइंट डालिए, ठीक है। 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेना है तो वहाँ पे आपको 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी डाल दिए, ठीक है। ये हो गया हमारा टारगेट और स्टॉप लॉस, ऑर्डर प्लेस हो गई, ठीक है।
ठीक है, ऑर्डर प्लेस हो गई। अभी आप जाके ऑर्डर सेक्शन में देख सकते हो वो दोनों ऑर्डर्स वहाँ पे ओपन होंगे, ठीक है, टारगेट और स्टॉप लॉस वाली। ठीक है, जो पहला हिट होगा सेकंड ऑर्डर अपने आप वहाँ पे कैंसिल हो जाएगी, तो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिए एक रेड कैंडल बन रही है, कोई डरने की बात नहीं है, थोड़ा बहुत यहाँ पे जो है हमेशा प्रॉफिट बुकिंग होती है। देखिए गैप ऑफ होने के बाद क्या होता है हमेशा, देखिए कल किसी ने कॉल खरीदा होगा, अगर आज मार्केट 200-300 पॉइंट गैप ऑफ हुआ है तो उसको प्रॉफिट हुआ रहेगा, तो वही प्रॉफिट बुकिंग चली, इसी माइट भी मार्केट यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे ऊपर नीचे करेगा, डरने की बात नहीं है। हमें जो है हमारे ट्रेड पे हमेशा कॉन्फिडेंस रखना है, ठीक है, चाहे हमें प्रॉफिट हो या लॉस हो, जो एनालिसिस के साथ हमें यहाँ पे ट्रेड ली है उस पे हमें यहाँ पे क्या करना है, भरोसा रखना है, बाकी कुछ नहीं रखना है। प्रॉफिट एंड लॉस मार्केट में हर दिन चलते रहता है, कोई कंसिस्टेंसली यहाँ पे प्रॉफिट नहीं करता, कोई नहीं करता कंसिस्टेंसली प्रॉफिट, दो दिन ट्रेड करता है तीसरे दिन उसको लॉस होता ही होता है, तो वो कितना लॉस करता है उस पर डिपेंड करता है। अगर आपने दो दिन में 5,000 रुपये कमाए और तीसरे दिन आपने यहाँ पे 1,000 रुपये का लॉस दिया है, उसकी आपकी साइकोलॉजी थोड़ी सी चेंज हो जाती है कि आपने 5,000 कमाए उसमें से 1,000 रुपये गए, 4,000 बचे। लेकिन काफ़ी सारे ट्रेडर क्या करते हैं, वो लॉस रिकवर करने के लिए और ट्रेड करते हैं और उसमें से पूरा लॉस कर देते हैं। तो आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, एक ट्रेड लो, दो ट्रेड लो मैक्सिमम, देखिए अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो उस दिन मार्केट को बंद कर दो, ट्रेड ही मत लो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने दोनों ट्रेड ली है और ये ब्रैकेट ऑर्डर का जो दो ऑर्डर्स यहाँ पे हमारे ओपन है, एक स्टॉप लॉस वाली ऑर्डर है और जो दूसरी ऑर्डर है वो टारगेट वाली ऑर्डर है, 465 का हमने यहाँ पे टारगेट रखा है और स्टॉप लॉस वाली ऑर्डर पहली है। जो भी यहाँ पे पहला हिट होगा सेकेंड ऑर्डर जो है वो अपने आप यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी, इसे बोलते हैं ब्रैकेट ऑर्डर, ठीक है। फिर भी आपको कुछ डाउट्स रहेगा तो मैं आपको कल आके या बोल सकता हूँ अगले मंडे को मैं आपको जरूर बताऊंगा कि कैसे आपको ब्रैकेट ऑर्डर प्लेस। तो अभी ये जो वीडियो है मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करने वाला हूँ, आप इस वीडियो को देखिए, अंत में हम लोग यहाँ पे एग्जिट कब लेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड मैंने कर दिया उसे देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए मार्केट ने आज का डे जो हाई है वो ब्रेक कर दिया है और यहाँ पे आप देख सकते हो हमें जो है एक 800-900 रुपये के आसपास प्रॉफिट दिख रहा है, ठीक है, 800-900 रुपये के आस डे हाई ब्रेक करने के बाद अगर वो मोमेंटम कंटिन्यूस रहती है तो यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने मिल सकता है, ठीक है। एक ऑर्डर जो है हमारे यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, अगर 465 होता है तो ये देखिए 465 हो चुका है, एक ऑर्डर हमारी यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुकी है, एक ऑर्डर हमारे एग्जीक्यूट हो चुके हैं, सेकेंड ऑर्डर जो है यहाँ पे प्लेस है और यहाँ पे देखिए हमारे टारगेट के काफ़ी नज़दीक हम लोग आ चुके हैं, काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं, ये देखिए लगभग अभी 20-30 पॉइंट से बाकी होंगे हमारा टारगेट कंप्लीट होने के लिए। हम लोग यहाँ पे पोजीशन चेक करेंगे, ठीक है, पोजीशन में आप देखिए सेकेंड जो ऑर्डर है ये हमारी ऑन है और 399 के आसपास चल रही है इसकी लास्ट ट्रेडेड प्राइस, 409 और 111। अभी हम लोग ट्राई करते हैं इसे एग्जिट करने के लिए, ठीक है, एग्जिट तो हो गई हमारे ऑर्डर, पहले ऑर्डर में हमने 900 का प्रॉफिट कमाया, दूसरे में हमने लगभग 810 मतलब 1710 का आज हमें दोनों ट्रेड में प्रॉफिट हुआ है। सेकंड ट्रेड में थोड़ा रुकना चाहिए था क्योंकि देखिए मोमेंटम हमने यहाँ पे देखा तो मार्केट ये देखिए हो गया ना टारगेट कम्प्लीट, आपके सामने ही टारगेट कम्प्लीट हुआ, येल्लो लाइन है जो हमने यहाँ पे ड्रॉ की थी एज अ टारगेट वहाँ तक मार्केट आ चुका था, रुकते थे थोड़ा टाइम, रुकते थे और थोड़े पॉइंट्स मिल जाते, देखिए 407 हो गया, 408, 409, 410, तो माइट भी थोड़ा रुकना चाहिए था। हाई कितना मारा उसने, अभी 425 हो चुका है वो, ठीक है, हाई कितना मारा हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, ये देखिए हमारे टारगेट के ऊपर अभी यहाँ पे बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है, मतलब थोड़ा अगर हम लोग यहाँ पे पेशेंस रखते तो हमें और 20-25 पॉइंट्स मिल जाते, और 20-25 पॉइंट्स। यहाँ पे देखिए हाई मारा है 421 का हाई यहाँ पे हमें देखने मिला और हमने 399 पे एग्जिट लिया है, तो कोई बात नहीं 20 पॉइंट्स मिल जाते। और जो सेकंड था 42,400 का कॉल, उसका हाई कितना था इस यहाँ, तो अभी हमें 482 दिख रहा है, 483 हाई मारा है उसने, 490, ठीक है,
465 का ऑर्डर हमने प्लेस कर दी थी, 465 पे हमें यहाँ पे एग्जिट हो चुका है। तो कोई बात नहीं है, ब्लैक ऑर्डर इस तरीके से वर्क होता है, सेकंड जो ऑर्डर होती है हमारी कैंसिल हो जाती है पहले ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के बाद। तो ऐसे ही आज हुआ है, तो ये ऑर्डर बुक आपके सामने है, ऐसे हमने आज ट्रेड लिया है। दोस्तों अगर आपको ये सेटअप नहीं पता तो आप हमारे चैनल पे जाकर सर्च कर सकते हैं, ये फिर ब्रिटिश प्रिंट वाला सेटअप है, काफी अच्छा सेटअप है, इसकी एक्यूरेसी भी काफी अच्छी आती है और आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस भी यहाँ पे कम से कम मिलता है। तो यहाँ पे देखिए आज हमने दो ट्रेड लिए, दोनों ट्रेड सक्सेसफुल हुए। अगर आपको ये स्ट्रैटेजी करनी है तो हमें कमेंट में लिखिए, हम लोग जरूर इस पे नए नए लाइव ट्रेड से वीडियोस लाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे विथ न्यू ट्रेड न्यू स्ट्रैटेजी, तब तक के लिए जय हिंद। और वीडियो को प्लीज लाइक करना ना भूलिए, जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर कीजिए।